सीरियल अनुपमा में देखने को मिलने वाला है कि बा कैसे अनुपमा से माफी मांगते नजर आएगी। दरअसल बा अब यहाँ पर जैसे ही अनु चला जाएगा और पीछे से बा अब तांडव करते नजर आने वाली है। अनुपमा के चारों तरफ धमाल मचा देगी और उसका ये डांस देखकर घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर बा करना क्या चाहती है। अब भैया अनुपमा ने भी अपनी शादी की इच्छा सब घर वालों के सामने रख ही दी है कि अनुज ने इस तरह से कहा उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। लेकिन फिर अनुपमा अपने बर्थडे पर ही सबसे बताना चाहती थी लेकिन फिर भी वो बता नहीं पाई। इसके बाद में बाबू जी भी अनुपमा का साथ देते नजर आएंगे लेकिन बा भड़क चुकी है, ना बाबू जी की सुनेगी ना ही अनुपमा की, और उनका जो तांडव वो देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा चुप नहीं बैठने वाली है और यहाँ पर डोली बहन अनुपमा का साथ देते नजर आएगी और बापूजी भी, जिसके बाद यहाँ पर अनुपमा भी वहां से माफी मांगेगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। साथ में अब डोली ही अनुज और अनुपमा की डोली उठाने में मदद करते दिखेगी। देखने को मिलेगा कि अब बाबा को समझाने कोई और नहीं डोली आने वाली और कहेगी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप चाहती कि मैं अपने ही ससुराल में रहूं अपनी सोतन के साथ। अगर वो इतना कुछ कर रही है तो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और आपको उनका साथ देना चाहिए कि वहाँ भी अपने रिश्ते तोड़ने के बाद में भी आप लोगों का इतना ध्यान रखती है। अगर वो यहाँ नहीं चाहती तो वो यहाँ क्यों आती और क्यों अंचल का ध्यान रखती। उनकी शादी के बाद भी यहाँ तलाक होने के बाद भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और वो सब अपना काम कर ही सकते हैं। और अब तलाक के बाद भी भाभी अपनी जिंदगी क्या फिर से शुरू नहीं कर सकती। अगर भाई को भी तो तुम रोक सकती थी ना, लेकिन तुमने नहीं रोका। जब रिश्ते सुधार नहीं सकती तो बिगाड़ने की कोशिश मत करो। और यहाँ पर बा को अच्छा खासा भाषण दे देती है डोली, जिसके बाद बा को अकल ठिकाने आएगी और बा खुद इस शादी के लिए हाँ करेगी। अनुज अनुपमा से माफी मांगेगी, साथ में ही उनसे वादा करेगी कि बा और बापूजी दोनों ही मिलकर उन दोनों का कन्यादान भी करेंगे और एक बार फिर से बा को अपनी गलती का एहसास होगा। जिसके बाद में बा यहाँ पर अनुज की दूल्हे बने हुए की आरती उतारते यानी माँ का फर्ज निभाते नजर आएगी और बा अब सासू माँ से सिर्फ माँ बनकर अनुपमा के लिए अपना फर्ज निभाते नजर आने वाली है, जिसे देखकर बापूजी भी काफी खुश हो जाएंगे। साथ में बा वनराज को भी समझाने की कोशिश करेगी क्योंकि वनराज कहीं ना कहीं यहाँ पर अड़चन लेकर आने ही वाला है। तो भाई यहाँ पर बा का जल्दी मन परिवर्तन होगा और उसके बाद कहानी चेंज होगी।